हरे कृष्णा। और आज के मेरे व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज कहाँ जा रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? वाह, हमें नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं दुर्गा पंडाल। यहाँ पे काफी सारे भुवनेश्वर में बहुत सुंदर सुंदर भव्य पंडाल बने हुए हैं, तो हम उसी को जो हमारे पास में है वहाँ देखने जा रहे हैं। और मेला भी वहाँ लगा हुआ है, तो चलिए चलते हैं। आज हम खाएंगे आइसक्रीम, मोमोज, मंचूरियन। देखते हैं कितना खिलाते हैं। चलो बेटा, चलो सबको बाय बोलो कि हाय बोलो। कुतु 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 कुतु। चले चलिए मैडम, बोलो जय जय श्री राधे। चलो ये फुर्ती से स्कूटर उड़ाते हुए हवा में। काफी लोग तो घूम के आ भी गए हैं। हाँ, काफी लोग जा भी रहे हैं। ज्यादा रश हो रहा है ना। चलो हम चल रहे। यूजली इस रोड पे हमें कभी भी ना ट्रैफिक मिलता नहीं था। वाह, इतने दूर से लोग पैदल पैदल भी जा रहे हैं देखने के लिए मेला। तो ये फर्स्ट टाइम है जो मैं किसी दुर्गा पंडाल में जा रही हूँ, क्योंकि हम लोग तो बेसिकली दिल्ली के हैं और हमने कभी कोई ऐसे दुर्गा पंडाल देखा नहीं है। और इधर लग रहा है मेला। वाह, भीड़ भी अच्छी खासी है, काफी भीड़ है। हमारे दिल्ली में भी ना, इधर नॉर्थ इंडिया में बेसिकली रामलीला और ये सब में तो हमारे इधर भी मेला लगता था, पर दुर्गा पंडाल मैं कभी नहीं गई। उधर में हमारे उधर साइड में कभी लगता भी नहीं है। चलो यहाँ का देखते हैं और दिखाते हैं कैसा है। यहाँ पे मैंने सुना है कि जो दुर्गा पंडाल है ना, वो किसी न किसी थीम पर बने होते हैं। तो ये तो फोर व्हीलर की पार्किंग है। पार्क पर हम फंसे हुए हैं इस टाइम जाम में। ये पार्किंग है और पार्किंग में बहुत ज्यादा वाला जाम लगा हुआ है। ये रहा झूला। फाइनली आगे हैं स्कूटी को पार्किंग में लगा के। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं मेला। बहुत बहुत भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है। कितने का ये? कितने का? डीपीज़ इन 130 टोंगा। डीड है। 130। दो पीस। 130। 130 के? 130 दो का दो का। 130। नहीं, कहाँ गया? चल। क्या करती? चलो आगे चलते हैं। क्लिप स्लिप पूरा बाजार लगा हुआ है।
दी देंगे। ये कितने का? 100। ये सब 100 के हैं। तो यहाँ पे ना बहुत तरह तरह के और बहुत प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर कड़ों के स्टॉल्स लगे हुए हैं और सबके फिक्स प्राइस थे 100 के या 50 के मिल रहे थे, और घर के डेकोरेशन के और ये नेक पीस और हाथ में पहनने का सब बहुत बहुत प्यारे प्यारे स्टॉल यहाँ पे थे, और खाने पीने का भी बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं। आएंगे भी इधर से ना वापस। इसे देख के तो अपने बचपन की याद आ गई। बहुत प्यारी प्यारी मूर्तियां, मैं छोटे सोच रही हूँ, छोटे लेने। चलो भाई तुमने टिकट तो ले ली है, पैसे लो। चले चलो भाई चलो। कहाँ बैठना है, जल्दी बैठो, बैठ दो आगे यार, कैसे बैठते हैं इसमें। तो झूले से उतरने के बाद हम चले कुछ शॉपिंग करने के लिए, और यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी रंगोली बनाने का सामान यहाँ पे मिल रहा था। 20-20 रुपए के स्टेंसिल्स और 10 रुपए के कलर्स यहाँ पे मिल रहे थे। तो ये बहुत ही इजी हो जाता है इससे रंगोली बनाना, और दिवाली भी आई रही है तो मैंने भी यहाँ से कलर्स और स्टेंसिल्स मैंने यहाँ पे। वो कितने के हैं वो स्टेंसिल, वो कितने वाले हैं, कितने के ये? 20 का। तो यहाँ माधव को आ रही थी बहुत ज़ोर से नींद, और इसने यहाँ पे जो रोना शुरू करा फिर ये बहुत देर तक चुप ही नहीं हुआ, और फिर ये गोदी में ऐसे ही सो गया। तो यहाँ इसने परेशान करना हमें शुरू कर दिया था। खाने का
छोटा भी होगा अंदर बड़े। माँ तूने क्या खरीदा है मादा? चलो तो यहाँ से ख़रीदे मैंने अपने लिए बैंगल्स, और यहाँ पे भी बहुत सुंदर सुंदर बैंगल्स मिल रहे थे, तो मुझसे रुका ही नहीं गया बैंगल लिए बिना। तो मैंने यहाँ पे अपने लिए और अपनी मदर इन लॉ के लिए मैंने यहाँ से बैंगल्स ख़रीदे, देखते हैं कैसे लिए। क्या क्या ले लिया? तो यहाँ से ली मैंने बैंगल और हम आगे चले आइसक्रीम खाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ली रबड़ी फलूदा वाली आइसक्रीम। उधर क्या है? उधर ही चलते हैं, उधर ही चलते हैं, तो बाहर निकलते हैं। इसको देखते हैं कुछ मिलता है। तो यहाँ आइसक्रीम खाते खाते हम निकल आए थे बाहर की तरफ, और मेरे पीछे वहाँ पे कुछ गाने बजाने का प्रोग्राम चल रहा है। और अब हम जाएंगे पंडाल में अंदर, तो बाहर से बहुत ही भव्य पंडाल बना हुआ है, मैं एक्चुअली आपको चल के दिखाती हूँ। तो मेहंदी तो इन्होंने मेरे लगवाई नहीं, तो मैंने आगे चल के ये गेट पे लगाने का, क्योंकि दिवाली भी आ रही है ना, तो मैंने ये ख़रीद लिया था। तो ये मैंने 100 रुपीज़ का यहाँ से इनसे ख़रीदा। ये लोगों से ना सस्ता मिल जाता है, अगर आप शॉप से लेने जाओगे ना तो वहाँ से आपको महंगा मिलेगा। तो मैं तो हमेशा इन्हीं लोगों से शॉपिंग करती हूँ। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं बाहर से पंडाल, बाहर से देखने में कैसा लगता है। तो बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य पंडाल यहाँ पे बनाया हुआ था, ये रसूलगढ़ में बनाया हुआ है, और बहुत ही सुंदर बाहर से देखने में ही कितना प्यारा सा लग रहा है ना ये, और अंदर तो ये इससे भी ज़्यादा सुंदर है। ये मुझे बाहर से ही दुर्गा जी की जो मूर्ति है वो मुझे दिखाई दे रही थी, तो मैं तो अंदर जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेताब थी कि मैं जल्दी से अंदर जाऊं, पर बहुत भीड़ भी उतनी ही ज़्यादा थी यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली मेला है और दूसरा ही दिन दुर्गा पूजा का था, तो भीड़ भी अच्छी खासी थी। तो बाहर से देखने में तो देखो कितनी प्यारी लाइट और कितना ही प्यारा सुंदर सा व्यू है इसका, बहुत ही सुंदर। तो चलिए चलते हैं अंदर, और ये बाहर रिपोर्टर साहब हमारी रिपोर्टिंग करते हुए, तो चलिए अब हम चलते हैं पंडाल के अंदर भीड़ में। तो जैसे जैसे हम पंडाल के अंदर की तरफ जा रहे थे हमारी एक्साइटमेंट उतनी ही ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि बाहर से देखने में ये इतना सुंदर है तो अंदर से देखने में ये क्या ही होगा, तो ये देखने की एक एक्साइटमेंट बनी हुई थी। तो हम अंदर जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हैं।
और देखो कितना सुंदर अंदर से इसको सजाया हुआ है ना, कितना ही प्यारा लग रहा था ये। और ये लाइटिंग इफेक्ट आ रहे हैं ना, ये कितने ही प्यारे लग रहे हैं मुझे। मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही सुंदर था। और ये पंडाल से बाहर निकलने के बाद हमने फिर से खाई आइसक्रीम, और ये पता नहीं क्या ऐसे रोल रोल करके और उसको खुरच के ये आइसक्रीम, पता नहीं मेरे को इसका नाम नहीं पता मैंने, बट ये बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस में देखी है मैंने ये आइसक्रीम, और टेस्ट भी इसका बहुत 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 अच्छा वाला था। और इसके बाद मेरी कभी ना ख़त्म होने वाली शॉपिंग क्लेचर्स और क्लिप पता नहीं क्या क्या, तो मैंने यहाँ से थोड़ा बहुत कुछ सामान ख़रीदा और इसके बाद अब हम घर जाएंगे। यहाँ पे कोई भी पॉलिथीन देने से तैयार नहीं था, सब बोलते अपने घर से बैग लाओ, पर ये अच्छा भी है। तो अब हम जा रहे हैं अपने घर। तो आज का ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। आप सबको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर 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 बताना। चलो दिख नहीं रहा, तो चलिए इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म, और जाते जाते आपको दिखाते हैं कि इस शहर की सड़कें कैसे बहुत ही सुंदर दुल्हन की तरह सजी हुई थी। तो आप भी इसको एंजॉय कीजिए, तब तक धन्यवाद।